कोरोना वायरस का कहर, लॉकडाउन की आफत और रोजगार के ठप होने की सबसे अधिक मार गरीब मजदूरों पर पड़ी है। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हुआ तो लाखों की संख्या में मजदूर जहां थे वहीं रुक गए। कुछ ज्यादा दिन नहीं रुक पाए तो पैदल ही घर के लिए रवाना हो गए। ऐसे ही करीब 16 मजदूर जो घर पहुंचने की आस में पैदल ही रवाना हुए थे, एक हादसे का शिकार हो गए हैं और उनकी मौत हो गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बदनापुर करमाड़ रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार सुबह एक मालगाड़ी गुजर रही थी। इस हादसे में 16 मजदूरों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य मजदूर भी घायल हुए हैं। भारतीय रेलवे की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जिन मजदूरों की मौत हुई है वो सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और महाराष्ट्र के जालना में एनर्जी कंपनी में कार्यरत थे। 5 मई को इन सभी मजदूरों ने जालना से अपना सफर शुरू किया था। पहले ये सभी सड़क के रास्ते आ रहे थे, लेकिन औरंगाबाद के पास आते हुए इन्होंने रेलवे ट्रैक के साथ चलना शुरू किया। करीब 36 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद जब सभी मजदूर थक गए थे तो ट्रैक के पास ही आराम के लिए लेट गए और वहाँ ही सो गए। इसमें से 16 लोग ट्रैक पर सोए, 2 बराबर में और बाकी कुछ 3 दूरी पर सोए। इनमें से 16 की मौत हो गई है, बाकी जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।